अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को कैसे आप एक सेलिब्रिटी की तरह, कैसे आप एक हीरो की तरह अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को सजा सकते हो, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को बना सकते हो और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के प्रोफाइल के फोटो के चारों तरफ कैसे एक सर्कल सेट कर सकते हो, आज मैं आपको यही ट्रिक एंड टिप्स बताने वाला हूं। इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह जब भी मैं ट्रिक एंड टिप्स डालूं तो आप तक मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि आप कैसे ये सर्कल सेट कर सकते हो। चलिए चलते हैं फोन के स्क्रीन पे। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं फोन के स्क्रीन पे। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे प्रोफाइल फोटो के चारों तरफ एक सर्कल कैसे लगा सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले क्या करना है कि आपको प्ले स्टोर ऐप को ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन होने के बाद यहाँ से सर्च में जाना है और सर्च करना है प्रोफाइल पिक्चर बॉर्डर, लिखना है आपको, टाइप करना है PROFILE प्रोफाइल PICTURE पिक्चर बॉर्डर, प्रोफाइल पिक्चर बॉर्डर सर्च कर देना है। आप यहां देख सकते हो कि एक ऐप आ गया है मेरे सामने, प्रोफाइल पिक्चर बॉर्डर। तो इस ऐप को क्या करना है कि आपको सिंपल डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने यहां इसे डाउनलोड में लगा दिया है, कुछ देर में ये डाउनलोड हो जाएगा। गाइस प्रोफाइल पिक्चर बॉर्डर डाउनलोड हो चुका है, तो अब मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन में चलता हूँ और देखता हूँ कि डाउनलोड हो चुका है। इसे यहाँ से पहले निकाल लेता हूँ, तो मैंने इसे बाहर कर लिया है। आप यहाँ देख सकते हो कि प्रोफाइल पिक्चर बॉर्डर डाउनलोड हो चुका है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सर्कल कैसे सेट करते हैं। तो सिंपल क्या करना है कि इस ऐप को ओपन कर देना है और ओपन होने के बाद इसे क्या करना है कि आप यहाँ देख रहे हो एरो का ऑप्शन है, तो एरो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एरो के ऑप्शन पर क्लिक होने के बाद आप यहाँ देख सकते हो कि बहुत सारे सर्कल हैं। यही सर्कल हर इंस्टाग्रामर, जो बड़े बड़े इंस्टाग्रामर होते हैं, इंस्टाग्राम पे जो पॉपुलर हैं, वो लोग इस तरह का सर्कल यूज़ करते हैं। तो आप भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ कि पॉपुलर में सबसे ज़्यादा आजकल फेमस ये चल रहा है, ब्लू टिक वाला। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ब्लू टिक वाला यहाँ है, तो ब्लू टिक वाले पे सर्कल पे क्लिक कर देना है। तो मैंने क्लिक कर दिया है। अब यहाँ से आप अगर इसे अनलॉक करना चाहते हो तो इस पे अगर फोटो सेट करना चाहते हो तो आपको ऐड देखना पड़ेगा। तो क्या करना है कि वॉच ऐड टू अनलॉक पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया है, अब यहाँ ऐड चल रहा है। तो ऐड जब तक ख़त्म होता है तब तक हम इंतज़ार करेंगे। ऐड ख़त्म होने के बाद ही उस पे फोटो ऐड करने का ऑप्शन आता है, तो हम लोग कुछ टाइम इंतज़ार करेंगे। तो गाइज यहाँ ऐड ख़त्म हो चुका है। तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है। तो सिंपल क्या करना है कि आपको प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से अलाउ पर क्लिक कर देना है। अलाउ पे क्लिक करने के बाद ये सीधे आपको क्या करेगा कि अपने आपको जो भी अपना जहाँ भी आपका फ़ोटो है वहाँ पर ये लेकर चला जाएगा, या फिर आप यहाँ से सेलेक्ट में जाकर इमेज पर सेलेक्ट करके जिस भी फाइल में आपका फ़ोटो है आप वहाँ पर जा सकते हो। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मेरा जहाँ भी फ़ोटो है डायरेक्ट यहाँ ओपन हो चुका है। तो मैं कोई भी एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ जिस फोटो पे मुझे ये सर्कल सेट करना है। तो मैंने यहाँ इस एक फ़ोटो पे क्लिक कर दिया है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मेरा फ़ोटो आ चुका है। अब यहाँ से आप जूम और आउट भी कर सकते हो एकदम अच्छे से सेट करने के लिए। तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि मेरा फ़ोटो यहाँ आ जा रहा है, जितना भी मुझे अच्छा लग रहा है मैं उतना यहाँ सिलेक्ट कर लूँगा। तो इतना अच्छा लग रहा है, तो मैं सिंपल क्या करता हूँ कि राइट साइड में सबसे ऊपर सेव का ऑप्शन है, तो सेव के ऑप्शन पे क्या करना है कि क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक करोगे ये इमेज आपके फ़ोन में सेव हो चुका है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इमेज सेव हुआ है या नहीं। तो मैंने यहाँ अपना गैलरी ओपन कर दिया है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये इमेज मेरे फ़ोन में आ चुका है, ये इमेज मेरे फ़ोन में एकदम आ चुका है। अब मैं इस इमेज को चाहूँ तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे सेट कर सकता हूँ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे सेट कैसे करना है। तो सिंपल क्या करना है कि आपको इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन कर लेना है। तो मैंने यहाँ अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन कर लिया है। अब यहाँ से राइट साइड में नीचे अपने प्रोफाइल पर चले जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हो कि वही फ़ोटो मेरा पहले से ही लगा हुआ है, फिर भी मैं आपको सेट करके दिखाता हूँ कि उसे सेट करना कैसे है। तो सिंपल क्या करना है कि आपको यहाँ आप देख सकते हो एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन है, तो आपको एडिट प्रोफाइल के ऑप्शन पे चले जाना है। एडिट प्रोफाइल के ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ से चेंज प्रोफाइल फ़ोटो का ऑप्शन है, तो चेंज प्रोफाइल फ़ोटो पर आपको क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ से क्या करना है कि न्यू प्रोफाइल फ़ोटो पर क्लिक कर देना है।
न्यू प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करने के बाद आप यहां देख सकते हो कि जो मेरा फोटो था ऑटोमेटिक यहां से सिलेक्ट हो चुका है। फिर भी मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूं, यहां मेरा फोटो सिलेक्ट हो चुका है। अब यहां से क्या करना है कि राइट साइड में सबसे ऊपर जो एरो का ऑप्शन है तो एरो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और फिर से एरो के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपका फोटो और फिर से राइट साइड में सबसे ऊपर जो एरो का ऑप्शन है तो एरो के ऑप्शन पर एक बार आपको क्लिक करना होगा। तो अब आप यहां देख सकते हो कि मेरा प्रोफाइल फोटो सेट हो चुका है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो एकदम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय टाटा।